हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉयड स्टील शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं लॉयड स्टील शेयर के ऊपर। लॉयड स्टील के शेयर में आज देखेंगे तो तकरीबन 3% का गिरावट इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिला। स्टॉक में मॉर्निंग सेशन में आपको एक बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक साइडवेज ट्रेड किया। फाइनली जो है स्टॉक आपको लास्ट के समय में हम लोगों को थोड़ा नीचे के लेवल से थोड़ा स्टॉक में जो है बाइंग प्रेशर आता है वो दिखा, और फाइनली स्टॉक जो है 14.60 रुपीज पे क्लोज हुआ है। लास्ट वन मंथ की अगर चार्ट को हम लोग देखेंगे तो स्टॉक ने तकरीबन 13% जो है आपको गेन किया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में एक बड़ा मूवमेंट हम लोगों को 2021 के अक्टूबर से आता हुआ दिखा था। जनवरी में स्टॉक ने हाई लगाया, उसके बाद से अगर देखेंगे तो स्टॉक में कंटिन्यूसली हम लोगों को यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए आप बात करते हैं कौन से लेवल के बाद इस स्टॉक में एक बड़ा हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जब तक स्टॉक यहाँ पे आपको 17 रुपीज टू 18 रुपीज 50 पैसे के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, अपसाइड में इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। डाउन साइड में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो डाउन साइड में जो एक सपोर्ट है वो है आपको 10 रुपीज टू 11 रुपीज 50 पैसे का। करेंटली स्टॉक जो है आपको मार्च के मंथ से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक बार के लिए यहाँ पे ब्रेकडाउन जरूर दिया था, बट उसके बाद वंस अगेन स्टॉक जो है शार्पली इस सेम चैनल पैटर्न में आपको रिटर्न कर चुका है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो करंटली लोअर लेवल से एक बाइंग प्रेशर हम लोगों को दिख रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे वेट करना चाहिए। एक बार स्टॉक अगर 18 के लेवल के ऊपर यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को वापस से ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड जब तक स्टॉक यहां पे वापस से 10 रुपीज के लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करता है, इस स्टॉक में हम लोगों को बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।